तो गाइज आज है गणपति पूजा और हमारे यहाँ जो है दानापुर में बहुत बढ़िया गणपति बैठता है गाइज। तो उसी चीज को देखने के लिए हम अपने बड़े बड़े पांव से जो है बड़े बड़े डेग फांगते हैं और चल जाते हैं टेम्पो स्टैंड के पास। गाइज कई सारी गाड़ी मिली मगर बोली कि हम आपको आधा ही रास्ता ले जा पाएंगे, मगर गाइज हम बहुत निराश हो गए, लगा कि हम नहीं जा पाएंगे। मगर एक बहुत भले मानस मिले जो कि हमको बोले कि हम तुमको दानापुर तक छोड़ देंगे। और क्या गाइज धूम दबा के बैठ गए। और ऐसा हो सकता है गाइज कि अगर हम कहीं निकले और जाम मेरा पीछा ना छोड़े तो ही नहीं चकता है, चले हमारे साथ साथ जमवा चलता है गाइज। और गाइज जाम छुरा के हम पहुंचते हैं अपने मित्र के पास। और गाइज मेरा मित्र आज तक अपनी हरकतों से बड़ा नहीं हो पाया है। अब आपको पता चला गाइज कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। मैं तो डर गई। गाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको सोते जागते उठते बैठते हर समय सेल्फी दिखाई देती है। उसी में से मेरा एक मित्र है गाइज जो कि रोशनी ना होने के बावजूद भी सेल्फी लेने का अथक प्रयास कर। और इसमें बुरी बात ये है गाइज कि अगर ये सेल्फी ना ले तो इसको मिर्गी का दौरा भी आता है। गाइज आप लोग लाइट बत्ती और डीजे देख के हिम्मत समझ लीजिएगा कि किसी को बराती है, ये बराती उराती नहीं है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये मूर्ति विसर्जन के लिए डीजे लाइट है गाइज, हमारे बिहार में ऐसा ही विसर्जन होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और गाइज इन लोगों को नाचने का इतना जुनून है कि अगर डीजे खराब भी हो जाए तो ये लोग जनरेटर की आवाज में भी उतना ही जोश से नाच सकते हैं गाइज जितना कि डीजे की आवाज में नाच रहे हैं। खैर गाइज उनके नृत्य के टैलेंट को फिर कभी हम जज करेंगे, अभी फिलहाल हम अपने पांडा जैसे मित्र के साथ निकलते हैं गणपति का मूर्ति देखने के लिए। और ये कब है जी, जैसे ही हम घुसते हैं तो देखते कि इतने जनतने इतना इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे वही बताओ तो, हम भी कह रहे हैं कि इतना सन्नाटा कैसे हो सकता है, यहाँ तो पूरा धूमधाम भीड़ भड़क्कन होना चाहिए था गाइज। हमको लगा कि हम ही लेट कर गए हैं का? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है गाइज कि विघ्नहर्ता के द्वार पे जाएं और विघ्नहर्ता आपके विघ्न को ना हरे। बात तो सही है। तो गाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे शांति जो है वो शोरगुल में कन्वर्ट हो रहा था गाइज। और ये देखिए गाइज इनके पास ढेर सारे ढोलक है और ये ढोलक आपको भी लग रहा होगा कि किस लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कुमारे लौंडे लपटे हैं उनके शादी में ये बजाने का काम भी करते हैं, तो आप लोगों को जरूरत है तो इनसे जरूर संपर्क करिएगा, छगन चच्चा ढोलक वाले। और इन भाई सब को तो देख के हमको महिषासुर का याद आ गया। तक गई आप अपना जलेबी से ध्यान को हटाकर इस सजावट को देखिए, इतना खूबसूरत है कि आपका आंख में चौंधी आ जाएगा एकदम। तक गई मेला में आपको बहुत ही तरह का चीज मिल सकता है जैसे कि ये फुलौना, और इधर आपको मिल सकते हैं जलेबी, और आप चाट कैसे भूल सकते हैं गाइज। और आप लोगों ने लकड़ी का लट्टू देखा होगा मगर मैं आपको आज लाइट वाला लट्टू दिखाता हूँ गाइज। ये देखिए घुमी घुमी, ये भैया के लगता है कि तार में कोई अजूरा आ गया है गाइज। यहाँ पे जितना फ्री फायर और पबजी वाला लाइकन सब आपको मिलेगा एक बार में बैलून सा। ये वाला में से कोनो बर्तन में लीजिएगा मात्र 100 रुपया में। जी हाँ भाइयों और बहनों, और इन सारे नजारों को देखते हुए हम पहुँचते हैं अपने गणपति महाराज की पेश। और गईज हम लोगों से भी आगे एक और उनके जो है भक्त जो है ध्यान में लीन थे, और ये भक्त ये है गईज। और गाइस पंडाल के बगल में ही मुझे बच्चों का झूला दिखाई दिया गाइस, तो मेरे अंदर का भी बच्चा जाग उठा और मैं उसकी तरफ भाग उठा गाइस। इन तंग और सकरी गलियों से होते हुए मैं पहुंच गया उस झूले के पास गाइस। और काफी देर देखने के बाद मैं भैया को बोला कि भैया मैं भी क्या झूल सकता हूँ, तो भैया बोले कि ये बच्चों का है बूढ़ों का नहीं। अब मैं क्या करूं गाइस, जब मैं बच्चा था तो इन झूलों पे झूलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, आज मैं बड़ा हो गया हूं तो ये लोग मुझे झूलने नहीं देते, कहते कि तुम बड़े हो गए हो।
तो गई इस मेले में कुछ लोग अपने हाथों पे इस चित्र को बनवा रहे थे, तो वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग अपने हाथों पे अपने प्रेम परमानेंट करने के लिए गोदना गोदवा रहे थे। खैर गई इन सब बातों से निकलते हुए हमें लग गए बहुत जोर और हम दोनों जने खाते हैं चाउमीन। मगर क्या बताए गई 25 रुपया लगा था, बहुत ही बेकार टेस्ट था, मन किया उल्टी कर दे मगर पैसा लगा था। साला सब ढाका जगह हम दोनों भाई मिल के और करा बाद मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए हमने दोनों खाते हैं आइसक्रीम। और फिर हमारे दो बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिलते हैं। और ये हमको सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है गैज कि जो सामान बेच रहे हैं उसको इस्तेमाल करके बेच रहे हैं। खैर हम तो निकलते हैं घर और आप लोग जाइए और गणपति जी का दर्शन करिए और उनके जय जयकार लगाइए गैज।